हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू। अच्छा क्वेश्चन नंबर वन रह गया। हाँ कोई बात नहीं, बोन ही तो करा दूँ आपकी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर वन में कुछ ए इज इक्वल टू आई माइनस बी दिया हुआ है। अच्छा बी अपने आप में आइडम्पोर्टेंट दिया है, माने बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, ये तो गलत नहीं है ना। आइडम्पोर्टेंट का मतलब यही होता है। अच्छा साथ में दे रखा है ए इज इक्वल टू आई माइनस बी, यही दिया है। अच्छा क्वेश्चन के अंदर पहला तो ऑप्शन यही है कि ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर माने ए इंटू ए, सही है ना भाई। तो a का मतलब i माइनस बी इंटू ए कर दूं, ऐसा लिखने में क्या बुराई है, लिख सकते हैं ना। अच्छा साथ में अब तब तक एक और पैरेलल एक और क्वेश्चन पे भी आता हूं। एक और ऑप्शन भी है ए बी इज इक्वल टू जीरो, इसके जस्ट नीचे ये भी दे रखा है। तब तक मैं आपको बताता हूं इस ऑप्शन को चेक करने के लिए मैंने ए बी पे बात करी। ए बी में a का मतलब i माइनस बी है, इंटू बी कर दूं, a ये रहा बी ये रहा, मल्टीप्लाई करते बी आई बोले तो बी आ गया, बी स्क्वायर हुआ। लेकिन आपको तो पता होगा बी स्क्वायर खुद क्या है, तो इसका अंदर ए बी की वैल्यू वाकई में जीरो है, माने ऑप्शन सी तो सही है। अब ऑप्शन सी सही है इसकी वजह से इधर आता हूँ, मल्टीप्लाई करूँ ए आई का मतलब ए हो गया, माइनस में इट इज वैसे तो बी ए हुआ। लेकिन आप बी ए भी चेक करो, अगर आपने बी ए चेक करा तो बी ए का मतलब हो गया बी इंटू ए की जगह पे आई माइनस बी कर दूँ, मल्टीप्लाई करते बी आई का मतलब बी हो गया, बी इंटू बी माने बी स्क्वायर हो गया, और बी माइनस जीरो बोले तो सॉरी बी माइनस बी बोले तो जीरो हो गया। इसका मतलब ए बी भी जीरो है और बी ए भी जीरो है, माने ऑप्शन सी डी खुल गया। अच्छा इधर इनकी मल्टीप्लाई होते बी ए बना सही, और बी ए की वैल्यू क्या है जीरो, इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर ए हो गया, माने फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो गया, सी और डी भी सही हो गए। सही है नहीं है? अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। हाँ इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शंस में वैल्यू डाल डाल के देखना है। ए पढ़ा है ए का स्क्वायर बना लेना, फोर ए पढ़ा है फोर टाइम्स ए बना लेना, फाइव आई कर लेना, ऐड कर लेना, जीरो आता है, मतलब नल मैट्रिक्स आता है, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फोर्थ के अंदर उल्टा ये आप अपनी एडजॉइंट की थ्योरी में डाल देना। इस पर तो क्वेश्चन मत लिखो, आप तो लिख दो पुटिंग इन थ्योरी, है ना, इन थ्योरी। अपन अपने जब भी पहली फुर्सत मिलेगी तो इसको थ्योरी में डाल देंगे, ठीक है ना। आप अपनी थ्योरी में डाल देना, एक काम आएगा आगे। अभी क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव हुआ क्वेश्चन नंबर फाइव, डाउट है। हाँ भाई पहली बात तो ये इन्वर्टिबल नहीं है, माने इसका डब्बा जीरो नहीं है। आपने उसे ट्राई किया? नहीं है आंसर, और क्या, एक लाइन का क्वेश्चन है, आप तो पता नहीं क्या सोच करके चल रहे हैं। हाँ भाई उससे दो बातें निकल जाएंगी, एक शायद ए और सी है ना, आंसर नहीं पता मेरे को लेकिन याद है जहां पर मेरे को ए और सी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स नहीं हुआ, देखो अब ये भी हाँ, अरे ये इतने आसान आसान क्वेश्चन पता नहीं आपने कैसे रोक रखे हैं। पहली बात तो इससे एटी पकड़ो, आपको आदत नहीं है ए डैश की, ए डैश की आदत ही नहीं अपने को, एटी बना लो, तो एटी बराबर हमें ए इनवर्स दिया है ना भाई। अच्छा और साथ में बोल रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और साथ में क्या है, इस सेट टू बी ऑर्थोगोनल। अच्छा ए अपने आप में ऑर्थोगोनल होगी अगर ये है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है फिर आगे, ठीक है पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए डैश इज ऑर्थोगोनल, अच्छा देन ए डैश इज ऑर्थोगोनल। मेरे को ए डैश का ऑर्थोगोनल होना पक्का करना है पहले तो, ठीक है, ए डैश माने ए टी भी ऑर्थोगोनल का ही पक्का करना है। अच्छा किसी का भी ऑर्थोगोनल पक्का करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका होता है, जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर बी ऑर्थोगोनल कैसे पक्का करोगे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बी की बी टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर बी की बी टी से मल्टीप्लाई मुझे आई दे देगा तो मैं गा सकूंगा कि बी अपने आप में ऑर्थोगोनल है, सही है। अब इसने बोला है कि ए ए इज ऑर्थोगोनल है, ए तो ऑर्थोगोनल है ही, ए ऑर्थोगोनल माने ए इंटू ए टी की जगह पे आई, ये मेरे को गिवन है। और ये पहला ऑप्शन में कहता है ए डैश अपने आप में ऑर्थोगोनल है, इसको चेक करना है अपने को, सही है भाई। सोचते हैं धीरे धीरे सोचेंगे, ए डैश माने ए टी अपने आप में ऑर्थोगोनल है, तो आप बोले तो ए टी इंटू में ए टी का इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूं, कर दूं भाई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इस ए टी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करी, तो ये जो ए इनवर्स है इसकी भी ए टी के इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आराम से सोचिए। हाँ के ना, सही है। अच्छा और सोचते हैं, अब a इंटू में ए टी के इनवर्स को तो छोड़े रख, इसको टच भी मत कीजिए, आपको तो बस ये के पक्का करना है ये i बन जावे,
क्या ये आई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा वो सोचना है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये ए इनवर्स, अच्छा आपको याद होगा ए इनवर्स का टी, इनवर्स अंदर टी बाहर, सही है भाई। अच्छा साथ में एक और बात भी पक्की होती है कि ए अगर ऑर्थोगोनल होता है तो उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होता है। तो कहने मतलब ए इनवर्स ऑटोमेटिकली ऑर्थोगोनल है, ए इनवर्स अगर ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ए इनवर्स इनटू में ए इनवर्स का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आई, और अगर ये आई होता है तो ये भी आई होगा। इसका मतलब ए टी इनटू में ए टी का इनवर्स भी आई होगा और इसका सीधा मतलब आएगा कि ये ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल हो गया, सही है भाई। तो ये भी अपने आप में ऑर्थोगोनल हो गया। तो एक दो पॉइंट नकल के आते हैं कि एक तो ए अगर ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स वैसे होता ही ऑर्थोगोनल, साथ में ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल पक्का हो गया, ठीक है। सिक्स का क्या है, डी भी है, अच्छा उसका डिटरमाइंट इज इक्वल टू वन, लेकिन वन ऑनली नहीं होता ना, उससे तो जीरो भी तो होता है, वो भी तो पंगा होगा। हाँ वो सॉरी वन और माइनस वन दोनों आएंगे ना, तो इसने एक ही दे रखा है तो श्योर नहीं है ना अपन, तो वन तो किसी भी कारण से आ सकता है ना, तो डी हाँ दोनों में से है, बिल्कुल दोनों होने चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा हो जाए। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन हो गया, वेरी वेरी गुड। हाँ भाई अब आ जाते हैं एक्सरसाइज थर्ड पे, वेरी गुड। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, कुछ भी बचेगा तो है नहीं, वैसे भी आगे पीछे किसी ने की हो नहीं करी हो तो भी पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है खत्म ही होती है। हाँ भाई थोड़े मेरे पास में शायद पुरानी वाली है, हाँ पुरानी वाली है लेकिन चलेगा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री, क्यों हाँ भाई टू के बाद थ्री हो गया। अब मेरा क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर भी हो गया क्या? अब मेरा क्वेश्चन नंबर दस है इसमें, इसके बाद में मेरे वाले का जो पुरानी वाली शीट का आपका क्वेश्चन नंबर दस हो गया। हाँ वैसे अपने कॉपी में करवा दिया। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर ग्यारह पक्का है ना भाई? हाँ इसमें कोई अगर वैसे देखा जाए कोई छब्बीस सत्ताईस है, आप यकीन नहीं करेंगे मेरे पास में, मतलब आज से पाँच साल पुरानी है। मैं आपको बता दूं पहले पाँच साल पहले कितने होते थे क्वेश्चन, 26 और 26 और 34 कितने थे, 60 है ना। हाँ आज से चार साल पहले 60 क्वेश्चन थे मोशन की एक्सरसाइज थ्री में, अभी कितने 30 आधे रह गए, और 30 में भी वो कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता था, तो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन भी डालो, तो लास्ट के 6-7 क्वेश्चन जो होंगे कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन मैथ्स का कलम वो डाले ना, तो हिसाब से देखा जाए सिर्फ 26 क्वेश्चन बचे हैं शायद, आई थिंक सो है ना, नहीं है तो मैंने 60 क्वेश्चन का 26 क्वेश्चन रह गया। सोचो किसी टाइम पे लोग 60 के 60 क्वेश्चन करते थे, हम लोग 60 क्वेश्चन डिस्कस करते थे, ठीक है बच्चा तब भी रोता था। अच्छा 60 के टाइम पे वो आराम से 40 कर लेता था, 30 तो कर ही लेता था, तब भी आपसे बेहतर था। नहीं अब आपके सामने 26 आ गया है, हम अगले सालों में इसे 22 कर देंगे, ठीक है धीरे धीरे और रिड्यूस कर देंगे, ठीक है नहीं अब आप ज्यादा चले गए, ठीक है फिर क्या है, फिर आपसे बात करने का मन नहीं करता, आप क्या बहुत ज्यादा खींच जाते हो, ठीक है। हाँ भाई तो मैं आपको बता रहा था कि ये किसी टाइम पे 60 हुआ करते थे, अब देखो 26 होते हैं तब भी क्वेश्चन को दर्द रह जाता है, ठीक है। और जबकि हमने सारे अच्छे क्वेश्चन हटाते गए, अच्छे क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन भी होते थे किसी टाइम पे, ये चार साल पहले तक आपको नहीं पता है, हालत ये थी कि आईआईटी के दो अटेम्प्ट और होते थे, दो अटेम्प्ट होते थे, तो 13 और एक 14 का बैच भी बनता था, तब 13 में जो बच्चा आता था वो एक बार एक्सरसाइज 3 कर चुका होता था, तो एक्सरसाइज 3 के साथ एक एक्सरसाइज 4 भी हुआ करती थी, और जो आपकी एक्सरसाइज 4 है वो एक्सरसाइज 5 होती थी, तो हम लोग एक्सरसाइज 4 तो छूने ही नहीं देते थे किसी को भी, एक्सरसाइज 3 कर ले 13th में, तो अगले साल आएगा मान ले नहीं हुआ तो, ठीक है। और बच्चे आते थे बकायदा, हाँ और इसमें कोई वो शर्म संकोच नहीं होता था, क्यों ना पता है आईटी में हो जाएगा, आधे ज्यादा काम कर चुका है वो। अरे आप सोचो बिल्कुल आपका बिल्कुल रिजल्ट आने वाला है और आप वापस चले गए, तो ये तो बहुत ही बड़ी कोई पैसा लगाया वो बर्बाद हो रहा है क्या रहने में, अभी इस पे दिमाग बाद में। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, हाँ मेरा थोड़ा पुरानी वाली से तो मिलाते चलना है ना, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया,
ए बी। अच्छा ये पता भी है आपने करना क्या था? आपको बता देता हूँ, जिनका नहीं हुआ वो बता देता हूँ। बस कुछ नहीं करना भाई, तेरे को ए बी इनवर्स मत निकालना, बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना। हाँ तो देख तेरे पास बी पढ़ा ही है, सही है भाई? हाँ उसका बी इनवर्स बना लेना, ए इनवर्स पढ़ा ही है, एक बी इनवर्स की मल्टीप्लाई और करनी है, क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अच्छा देखिये इसमें ए बी सी दिया है, डी नहीं दिया, तो डी की जगह पर कुछ मान लेना, जैसे ए बी सी डी मान लेना, ठीक है? हाँ तो बस ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी जो दिया है ना, ए बी की मल्टीप्लाई करी इधर, सी डी की मल्टीप्लाई कंपेयर कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये तो कॉपी में भी करवाए। क्वेश्चन नंबर 7 नेल पॉटेंट जानते हैं कब होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ना ए की पावर के इज इक्वल टू 0 है ना। हाँ ये बकवास है, कई बार क्या मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन अपने माथे पड़ गया था जिसमें ए की पावर 3 निकालना पड़ गया था अपने एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2 में। हाँ तो वो थोड़ा कभी कभार परेशानी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 ये कईयों से नहीं हुआ होगा। हाँ सुनो सुनो सुनो, देखो पहले क्या करना, जैसे आपको दिख रहा है 1/2, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बड़े ध्यान से सुनो। ए आपके पास पड़ा है, ए पड़ा है या नहीं पड़ा? अच्छा आपको ए ट्रांसपोज निकालना आता है, कैसे करते हैं? रो को कॉलम में बदल करके, तो आप ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेना, निकाल लेंगे उसमें एक आई और जोड़ लेना, आई जोड़ते ही ये मैट्रिक्स 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 फाइनली एक और मैट्रिक्स बन जाएगी। लेट्स से आई कॉल इट अ बी मैट्रिक्स, मैंने इसे बी मान लिया, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसको जोड़ने घटाने में तो कोई तकलीफ नहीं है ना, बी मिल जाएगा। बी मिलने के बाद में क्या करना है, अभी कह रहा है कि फाइंड इस पूरे का इनवर्स पता करना है भाई अपने को, तो इसका मतलब ये कि हमारे को बी का इनवर्स पता करना है। अच्छा बी का इनवर्स पता करना है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना भाई? हाँ अब सुनो, बी का अगर इनवर्स पता करना है तो एक बार के लिए इसको निकालो दिमाग से, इसे आपने बी मान लिया है, ये जो भी मैट्रिक्स आएगी उसे लिख लेना, लिख लोगे? नहीं है, ये जो कुछ भी लिखा जाएगा वो बी होगा, भर लोगे? इनको जोड़ जाड़ के यहां भर लेंगे, इनटू में बी इनवर्स लिखना जो आपको नहीं पता, जो आपको पूछना है आपको बी इनवर्स को बी इनवर्स ही लिखना, और इधर की तरफ 1000010001 करना, याद आया आपको? और फिर क्या करना है, इस तरफ आपको 100 बनाना है, नहीं है यार? जैसे ही इधर आई बनेगा ऑटोमेटिकली इधर की तरफ बी इनवर्स तैयार हो जाएगा, नहीं समझ में आया? ठीक है तो पहले तो ये बी बनाना, अब इस बी को यहां भरना है, सही है? अब फिर इसके बाद में इस तरफ, ठीक है ना भाई, इस तरफ, समझ रहे हैं बात को? इस तरफ, ठीक है ना? ठीक है, क्या बनाना था अपने को? आई बनाना है, ठीक है ना भाई? और इस तरफ ऑटोमेटिकली, सही है भाई, इस तरफ ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? बी इनवर्स बन जाएगा। कहानी पकड़ में आ गए आप? नहीं आई? हाँ इस तरफ ऑटोमेटिकली बी इनवर्स बन जाएगा। एनीवे ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 13। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पे अपन ऑलरेडी माथा फोड़ चुके हैं, अच्छा वाला सबको अच्छे से ध्यान होगा, वो खूब टाइम टेकिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल बेवकूफी है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 14 में अगला आप मेरा फिर से इंतजार कर रहे हैं, हो गया? हाँ सुनो तो सही, क्या करना था? ए मेरे पास पढ़ाई है, ए दिया ना इसने, हाँ ए दिया है, दिख रहा है आपको? सबसे पहले आपको क्या करना है, ए माइनस लैम्डा आई या ए माइनस एक्स आई, याद आया आपको? ए माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0 कर लेना, करते करने के बाद में जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आई थिंक ये कुछ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बन जाएगा, सॉल्व करने पर इट विल गिव यू क्यूबिक इक्वेशन मेरे हिसाब से, क्यों मैं बताता हूं, दो लॉजिक से क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। मिलते ही क्या करना है, अब क्वेश्चन वाले ने डिमांड किसकी करी है, ए इनवर्स की डिमांड करी है, और अगर ए इनवर्स वाकई में जो ये मांग रहा है वो अगर है तो ए इनवर्स अपने आप में क्वाड्रेटिक है। देखो आप, ए इनवर्स क्वाड्रेटिक तभी हो सकता है जब ओरिजिनल इक्वेशन क्यूबिक आई हो, इसलिए मैंने ये बोल दिया कि ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा आंख बंद करके, मुझे नहीं पता बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे अकॉर्डिंगली बन जाएगा। अच्छा एक और कमाल की बात बताता हूं, जब आप इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे तो डिटरमिनेंट बनाते टाइम पे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो मुझे जहां तक लगता है एक तो क्यूबिक इक्वेशन जो बनेगी सो बनेगी, ठीक है? तो आप ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करना, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू में जो भी गिवन इक्वेशन है वो आ जाएगी, ठीक है?
अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ये इसने एक और बात बोली है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड ऑल, ये सब भी बोला है इसने कुछ, है ना, है ना। अब ये कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ, जितना मेरा दिमाग कह रहा है वो बताता देता हूँ। क्यों? क्योंकि है ना, देखो कहानी में ए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 20 माइनस अल्फा 5 अल्फा 0 0 अल्फा 3, क्या ये नहीं है ए? अगर ये ए है तो जब आप ए माइनस एक्स आई करोगे तो आप ध्यान से देखो आपके गले में ये अल्फा की माला पड़ जाएगी। इसका मतलब आपका आंसर पक्का नहीं आने वाला। माने क्यूबिक इक्वेशन का जो अपन दांव लगा रहे ना, क्यूबिक मिलेगा लेकिन अल्फा के साथ मिलेगा, नहीं आया समझ में? क्योंकि कोई सारे नंबर है ही नहीं, तो अल्फा के साथ मिलेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो पहले क्यूबिक इक्वेशन ही पढ़ी रहने देना। क्यूबिक इक्वेशन के टाइम पे जब आप ए इनवर्स निकालोगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ ऐसा टर्म आएगा कि इधर तो क्वाड्रेटिक बन रही होगी और बाहर 1/2 कुछ अल्फा बनेगा, देखना। बनाए? अगर आपके उसमें है तो मुझे बता दो नीचे क्या आया था, कितना? ये बता रही है 6 अल्फा माइनस 5 अल्फा स्क्वायर, ये कह रही थी ना, ये बनेगा क्यूबिक इक्वेशन के टाइम पे, ये बनेगा। अब आप सोचो ये मेरे को कैसे स्ट्राइक करना, क्योंकि देखो पक्की बात अल्फा तो दिख ही रहा है, अल्फा माइनस एक्स सीधे सीधे जाएगा नहीं। अब यहां से दो बातें निकलती हैं। देखो आपको अगर ए इनवर्स को एडजस्ट कराना है तो क्यूबिक इक्वेशन बचानी पड़ेगी, और क्यूबिक इक्वेशन तभी बचेंगे जब ये जीरो, हाँ, तो ये जीरो नहीं हो, इसका मतलब ये कि अल्फा की वैल्यू जीरो ना हो। अरे देखो ना, एक तो अल्फा जीरो ना हो और एक अल्फा की वैल्यू 6/5 ना हो, ये बात आपके पकड़ में आई? ये दोनों वैल्यू से बचाव करना पड़ेगा। अच्छा, तो उससे हमारे को अल्फा की वैल्यू कहां से मिलेगी? अल्फा दिया है क्या? कितना दिया है अल्फा की वैल्यू? 1। तो एक तो ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब अल्फा की दोनों वैल्यू ना हो, एक तो जीरो ना हो और एक 5/6 ना हो, ठीक है। और एक अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? अच्छा, अल्फा की वैल्यू 1 रखते ही आपकी जो भी क्यूबिक इक्वेशन होगी वो पक्की पक्की बन जाएगी, वहां से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये किसी टाइम पे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ करते थे ये बुक्स के अंदर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग तो यहाँ देख के हैरान रह गए थे कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ ये अचानक ये यूजिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस कब से यूज करने लगे। बड़ा आप सोचो कितना इजीली समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, हो गया? हाँ, अब इस क्वेश्चन को फिर पकड़ लेना। जिन बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चन को देखा तक नहीं है, ठीक है, उन्हें बता देता हूँ। यही मैंने सबसे पहले दिन बोला था, मैंने आपको बोला था कि हम लोगों ने डिटरमिनेंट पढ़ना ही इसलिए चालू करा था ताकि हम लोग एक्स वाई जेड में क्वेश्चन के आंसर निकाल सकें। अब आप देखिए क्वेश्चन में लिखा है, गौरव ने 3 पेन 2 बैग 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स परचेज किया और 41 रुपए दिए। 3 पेन है ना भाई, 3 पेन माने 3x, ठीक है ना, 3 पेन के x रुपए के हिसाब से, 2 बैग के 2y और 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का z, और इसके कितने दिए? 41। आगे बोल रहा है, फ्रॉम द सेम शॉप धीरज परचेजेड 2 पेन्स, ये लो साहब 2 पेन आ गए, 1 बैग y और 2 इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस आ गए, और इसके कितने पे कर गया? 29। क्या आप ये बात समझ गए? अच्छा, अब अगली क्वेश्चन में दे रखा है, अंकुर ने परचेज किया है 2 पेन 2 बैग और 2 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, और इसका कितने दे दिया भाई? अच्छा, तो इसका एक्स वाई जेड बराबर 22, ये बात पकड़ में आ गई। अब तीनों को सॉल्व करने के लिए करना क्या क्या है वो बताता हूं। सबसे पहले तो निकालना इस पूरी इक्वेशन का डी, जो कि जीरो नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, भूल जाओ आप, ठीक है। इसका डी कुछ ना कुछ आएगा जीरो को छोड़ करके, डी निकालना, डी वन निकालना। अब देखो आप में से कई लोगों को दिमाग पर तुरंत जोर डालना पड़ेगा, डी वन कैसे निकालते थे? एक्स वाले सारे कैंडिडेट हटा लो और उनकी जगह पर 41, 29, 22 डाल दो, तो आपके पास क्या जाएगा? डी वन। फिर आप निकाल लो डी टू, फिर आप निकाल लो डी थ्री, ये बात सही है। फिर आपको चाहिए एक्स, एक्स माने पेन की कीमत, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी वन बाई डी, श्योर है। और वाई इज इक्वल टू डी टू बाई डी, और जेड इज इक्वल टू, बस आपके पास में तीनों वैल्यू आ गए, एक्स वाई जेड। कहानी पकड़ में आ गई आपको? आगे बढ़ेंगे तुरंत। इस क्वेश्चन को करने से हमारे को फायदा होगा क्वेश्चन नंबर 18 में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, 18 के दोनों पार्ट हो जाएंगे मेरे को जैसा लगता है ना भाई। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में अगला मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 19 नहीं हुआ, आंसर नहीं आ रहा,
एक सीन क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैट्रिसेस शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलने का मतलब सारे जीरो आ रहे होंगे। हाँ, तो क्या मेरे को बस कुछ नहीं प्रूव करना, बस ये तो प्रूव करना है सबका जीरो आ रहा है, और जीरो आने का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मैं एक सेकंड, मैं आपको यहां पे बता दूं, यहां पे डी डी वन डी टू डी थ्री सबकी वैल्यू जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि याद है वो जीरो बराबर में, सॉरी जीरो इंटू एक्स बराबर जीरो, तब एक्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते थे। इसका मतलब सबके जीरो आ रहा है, देख लो ना आप, चेक कर लेना, आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना और कुछ नहीं प्रूव करना। हाँ जी साहब, इसके बाद में आपको अगले क्वेश्चन में चलना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वाला आपका क्वेश्चन नंबर 8। पहले देख लो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। ये मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा, मैंने आपको पहले से ही वो पीएनसी के क्वेश्चन कराए थे, सही है। इसमें शायद एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो सकता है, थर्ड का या सेकंड का, पता नहीं किसका है आंसर, एक का गड़बड़ है, सही है क्या? किसका वाला? पहला A1 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ये कैसे किया? हाँ भाई बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई बताओ भैया कैसे किया? यही नहीं, पहला वाला किया था, पहला भी नहीं हुआ, पहला हो गया। हाँ भाई, सेकंड किया किसी ने? नहीं किया ना, करके आना आप लोग, है ना, तभी बात करेंगे, बात नहीं करेंगे, कोई मतलब वाली बात ही नहीं है क्या? अरे पीएनसी के सारे क्वेश्चन मैं ही बता दूंगा तो फिर करेगा कौन? कोई भी नहीं करेगा। और कई बच्चे तो गद्दारी करके नहीं कर रहे, बताए उनको, उनकी IQ बहुत अच्छी है और वो जान के नहीं कर रहे हैं, बताए। कई बच्चों को तो प्रेशर डालने की दे रहे, वो कर देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगवाएंगे तो कई कर देंगे। अभी तो अगर बताता जाऊंगा तो ये करेंगे भी नहीं, इसीलिए लड्डू लड्डू तो कम से कम बता ले, जैसे भारी क्वेश्चन होगा तो कम से कम, और कुछ नहीं, खोज खोज के ही करेगा, ढूंढ लेगा कहीं से भी, ढूंढता ही जाएगा। कई बच्चों को तो ऐसा पीछा करने की देर होती है कि भाई कर, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ, कर लेगा वो अपने आप, देखना कई बच्चे करके दिखाएंगे, देखना अभी आप कल तक देख लेना आप, ये कल आते अपन इसमें बात कर लेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं हुआ। हाँ भाई एक सेकंड सुनो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 21 में ए दे रखा है, अरे क्वेश्चन नंबर 21 में ए दिया है ना, 0130, पक्की बात है? किसी ने ए स्क्वायर निकाला? हाँ या ना? ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 3003। ये जैसा बता रहे 3003 आई है, ये ए स्क्वायर आ गया। अब आप निकालो ए की पावर 4 निकल जाएगा। अच्छा 9009, पक्की बात है? ये बता रहे 09, पक्की बात? अच्छा फिर ए की पावर 6 भी चाहिए, कितना 27 आ गया क्या? 27 बेहतरीन, इन दोनों की गुणा कर ली लगता है, अरे इन दोनों की, सही है। अच्छा अब ए टू दोबारा 8 निकाला, कितना 81। अब आपको इन सबको जोड़ना है, जोड़ लेंगे इनको सबको, जोड़ते ही फिर बाद में देखो, आज साथ में आई भी जोड़ना है, सॉरी आई को जोड़ करके जो कुछ भी आएगा वो अपन एक ब्रैकेट में मान ले, माने इधर एक मैट्रिक्स बन जाएगी, नहीं है मैट्रिसेस बनने के बाद में उधर से लिखा हुआ है इनटू में अच्छा वर्टिकल वेक्टर चाहिए, ये वर्टिकल वेक्टर, वेक्टर माने मैट्रिक्स, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स माने एक्स इंटू वाई, ये हो गया काम खत्म। क्यों एक्स इंटू वाई? क्यों एक्स वाई जेड क्यों नहीं? क्योंकि ये 2x2 की है, तो दो ऑर्डर के लिए मैं एक्स और वाई लगाऊंगा, और इक्वल टू में क्या दे रखा है साहब? 0 और 11। अब बताइए एक्स और वाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? काम खत्म, आगे बढ़ो। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 22 नहीं हुआ, मैं जानता था, किसी का हुआ? बहुत बढ़िया, चलो इसमें तो बस आपने, आप लोगों ने कुछ तो किया है, मुझे लग रहा था इसमें पीट दिया। अरे ये तो सब हल्के हल्के क्वेश्चन है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी सी डी नॉट साइमल्टेनियसली, अच्छा गुड। क्वेश्चन में सीधी बात, ए और बी कम्यूट दिए हैं, देखो आप पकड़ो बात को, ए और बी कम्यूट दिए हैं, है ना भाई? अच्छा ए और बी अगर कम्यूट दिए हैं तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी माइनस बी अपॉन ए प्लस सी माइनस बी। जितनी मेरी याददाश्त कहती है कि ए बी बराबर बी ए जब आप करेंगे, सही है भाई, जैसे आप ए बी बराबर बी ए करेंगे, ठीक है, तो आपको 1 2 3 4
इधर ए बी सी डी, इधर ए बी सी डी, इधर 1 2 3 4 लिखना है, सही है भाई। मल्टीप्लाई करके जैसे आप कंपैरिजन करोगे, जितना मुझे याद है डी की वैल्यू ए प्लस सी ही आएगी, ठीक है। तो डी की वैल्यू ए प्लस सी आते ही ए प्लस सी माइनस बी, डी की जगह रख दूंगा और नीचे भी ए प्लस सी माइनस बी, ये कटने के बाद कितना आ जाएगा 1, तो क्वेश्चन डन हो जाएगा, सही है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर अगला है 23 हो गया। हाँ, इसमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ए स्क्वायर माइनस ए निकलेगा, ठीक है, और फिर बीसी की जगह पर 1/4 रखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 नहीं हुआ। अच्छा चलो, हाँ कोई पूछ भी रहा था, मेरे को याद आया, चलो इसे भी मिलाते हैं। आप मेरे को ये भी समझाओ क्वेश्चन नंबर 24 में आपके क्या क्या प्रॉब्लम रह गई है। अच्छा देखो, पहले तो ए इन्वोल्यूटरी है, माने ए स्क्वायर बराबर आई, ये काम खत्म करो। आगे बोल रहा है कि 1/2 आई प्लस ए एंड 1/2 आई माइनस ए, दोनों के दोनों आइडम्पोटेंट है। अब ये सोचो, ए आइडम्पोटेंट होता है तो ए स्क्वायर बराबर ए होता है। अगर ये वाली पार्टी आइडम्पोटेंट है तो इसका स्क्वायर बराबर ये खुद होना चाहिए। तो मैं मतलब 1/2 आई प्लस ए की मल्टीप्लाई दोबारा से 1/2 इंटू आई प्लस ए से कर दूं तो आई प्लस ए आ जाना चाहिए। तो ये तो 1/4 कर दूं पहले, तो नहीं है। अब तब तक आप बता दो, आई की आई से मल्टीप्लाई, आई आई इंटू ए, ए ए इंटू आई, ए ए इंटू ए, ए ए स्क्वायर, पक्की बात है ना भाई। और ए स्क्वायर बोलते बोलते भी आपके मुंह से आई निकल गया, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर आई गिवन है। तो आपको पता लगे ये आई और ये आई मिलकर के 2i + 2a, सही है। तो 2 times i + a / 4 कटने के बाद क्या मिला, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ऐसे ही अगला कर लोगे कि नहीं कर लोगे, हो जाएगा। अच्छा, और बाकी अगले में तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 प्रूव करनी है, हो जाएगा ना। हल्के क्वेश्चन में ये मत पूछा करो यार, और लेवल पे लेके जाओ आप, बहुत हल्का खेल रहे हैं। कई बच्चों ने बीच में सिंगेज विंगेज के क्वेश्चन पूछने लगाने चालू करे थे, ठीक है, फिर पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। नहीं तो आप उसके क्वेश्चन वेश्चन लगा रहे थे कुछ बच्चे, ठीक है, फिर वो खो गए। आप लास्ट तक बीचा मत छोड़ो। देखो ये तो हर किसी, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मैं नहीं जानता कि मेरे से जस्ट पहले जो भी रहे होंगे, कि बाय चांस हम लोग इस कोटा की पहली पीढ़ी हैं पढ़ाने वालों की। जब आज से 20 साल बाद नई पीढ़ी आ चुकी होगी हमारी एज के अंदर, तो वो ये नहीं जानेगी कि हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई और हमसे क्या क्या अच्छाइयाँ हुई। वैसे आप नहीं जानते कि आपसे जस्ट 1 साल पहले जो 12th में था वो कहाँ अचानक से मिसलीड हो गया, और उसे क्या कमी रह गई कि वो अच्छा खासा काम करते करते भी नंबर नहीं ला पाया, ठीक है। और ये बात आपको सिर्फ वही बता सकता है जो जिसने दोनों जनरेशन देखी हो, और वो सिर्फ एक ही जना है, ठीक है, जो यहाँ खड़ा है, मतलब टीचर्स। टीचर्स ने इससे 1 साल पहले भी बच्चों को देखा, उससे 1 साल पहले भी बच्चों को देखा है, और हम बता सकते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट कहाँ गड़बड़ कर बैठता है, और वो सिर्फ एक ही जगह गड़बड़ कर बैठता है, लास्ट में मोनोटोनस हो जाता है, रिदमिक नहीं रहता। शुरू शुरू में जिस तरह से जब आप फंक्शन ITF है ना लिमिट तक होते हो, तब तक आप में जो एक कैलिबर होता है, एक आप में जो एंथू होता है, वो आप धीरे धीरे है ना, हाँ थोड़ा आपका उसकी शार्पनेस कम होने लग जाती है। और आप ये मत होने दो बस, हालांकि इट इज़ टू अर्ली टू से ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, क्योंकि अभी तो सितंबर भी बाकी है। सितंबर तक तो आप और ज़्यादा मोनोटोनस हो जाओगे, आफ्टर 2 months आप सोचो, अगर भाई देव अभी आपके ही हाल है, ठीक है, मतलब अभी इतने बुरे नहीं है, ऐसा नहीं, आप नेगेटिव ना सोचें, लेकिन अगर भाई देव अभी से आपको ऐसा हल्का सा थोड़ा सा भी अगर एक लेजीनेस फील हो रही है ना, तो आप मत बोलिए कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। कैसे भी करके आप थोड़ा हमेशा थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा में रहा करो। हाँ, ये आपको मतलब अपने को ऐसा कुछ समझाना नहीं है ज़्यादा किसी को, लेकिन है ना गलती ऐसी होती है अपने से कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं हम लोग, लेजी हो जाते हैं, शीट को उतने लेवल पे जाके नहीं करते हैं। पहले हम लोग एक टाइम होता था ना, याद है जब शुरू में आता है बच्चा, तो सर ब्लैक बुक कर लूँ क्या, सर सिंगेज कर लूँ क्या, सर फरलाना करूँ, ढीमका कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। अपन उससे उपहास नहीं उड़ा रहा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा उसका। उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं इससे भी बुरा करता है ना, क्योंकि सबसे आसान काम होता है दूसरे में कमी निकाल लेना,
तो मैं कमी नहीं निकाल रहा, बट मैं आपको वापस याद दिला रहा हूं कि आप वही हैं जिन्होंने एक टाइम पे इस लेवल पे जाके भी खेला है, तो आप पीछे क्यों हो रहे हो? आप रह रह करके अपने आप को, ठीक है ना, अपना वो SHM का जो होता है ना मिड पॉइंट, हाँ उसका रिकैलिब्राइज कर लो, ठीक है, ताकि आप सही हो जाओ। आपसे आपके साथ में भी ये हर पीरियड में होता है, हर पीढ़ी में होता है कि क्या होता है, जैसे जैसे 2 महीने 3 महीने गुजरते हैं ना आदमी भूल जाता है, क्योंकि है ना कितना फोकस रहेगा। और आपकी एज में इतनी सी स्टेज, अब आपकी मुश्किल से 18 साल 19 साल के करीब की उम्र है, 17 18 19 मान लेते हैं, इस ब्रैकेट में ही लगभग सब है, ठीक है ना, 11 को तो नहीं कोई, हाँ ठीक है। हाँ तो इस एज के अंदर इतना भी रह गया तो बहुत है, मतलब आप यूँ समझो, हम लोग आपसे उम्मीद तो बहुत करते हैं, आपको पता नहीं है। वो मैं अभी किसी से सुन रहा था, वो IAS ऑफिसर बनी है कोई लड़की, बहुत अच्छा उसने बोला है कि एक है ना दुकानदार जो है रात को अपनी जब दुकान बढ़ाने वाला था, ठीक है, तो एक कुत्ता आया, उसने देखा कुत्ते के गले में यहाँ पे पट्टे के अंदर एक कागज फंसा हुआ है, उसने वो कागज निकाला, कागज निकालने के बाद में उसमें पढ़ा, उसमें कुछ सामान वामान था, बहुत हल्का फुल्का सामान, उसने वो सामान दिया और नीचे लिखा था इसी कुत्ते के पट्टे में रुपए भी फंसे हुए हैं, वो भी निकाल लो, ठीक है। तो उसने सामान वापस उसको दिया, उसके आगे रखा, उसके पट्टे से रुपए निकाले, कुत्ता चुपचाप देख रहा था, ठीक है, और वो कुत्ता तब तक नहीं हिला जब तक कि उसने उसके पैसे वापस नहीं कर दिए। तो पैसे उसने वापस चेन में डाले, चेन करा वापस जिप पंप करा, और करने के बाद में ठीक है कुत्ते ने सामान उठाया और चल दिया। दुकानदार हैरान, यार बड़ा समझदार कुत्ता है, हैं बताओ सामान खरीद के चला गया, ऐसा इसका कितना गजब मालिक होगा। तो दुकानदार तो दुकान बढ़ाने वाला था, तो उसने क्या किया, अपना शटर डाला और नौकर को बोला तू अब दुकान का मंगल कर, मैं आता हूं, और उस कुत्ते के पीछे पीछे चला। अब थोड़ी दूर गया कुत्ता और जाकर के एक बस स्टॉप पे रुक गया, वो उसके पीछे छुप के खड़ा हो गया। अब बस आई, बस आते ही लोग चढ़े, कुत्ता भी चढ़ गया, उसने कहा गजब है यार, क्या गजब कुत्ता है, ठीक है। दुकानदार की तो अब अंदर से क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, यार क्या गजब, इतना ट्रेंड है, तो वो भी चढ़ गया, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बस के अंदर चपरासी आया, वो चपरासी क्या हो, सॉरी कंडक्टर आया, कंडक्टर आया, कंडक्टर ने कुत्ते को देखा और उसने वापस जाना पहचाना कुत्ता हो रहा होगा, तो उसने उसके जिप से वहां से खोल करके वापस पैसा निकाला, ठीक है, वापस डाल दिया और एक टिकट उसके वापस यहां लगा दिया, ठीक है, पट्टे में लगा दिया। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि उसका स्टॉपेज आया, कुत्ता गेट के पास पहुंचा, जोर जोर से पूंछ हिलाने लगा, ड्राइवर समझ गया, ठीक है, और वो स्टॉपेज पे उतर गया। अब तो दुकानदार बिल्कुल पागल स्थिति में आ गया, उसके पीछे उतर गया, क्या गजब कुत्ता, अपने आप सब संभाल रहे, कुत्ते संभाल उठा उठा करके पहुंचा गेट तक, ठीक है ना, अपने घर तक पहुंचा। घर तक जाने के बाद में पंजे से यूं यूं करा, ठीक है, और फिर थोड़ा ऊंचा ऊंचा करके बैल भी दबा दी, ठीक है। उधर से एक आदमी आया, उसने जाली वाला दरवाजा खोला और उसका सामान लिया और पास में जो डंडा पड़ा था उसको उठा के 3 बार खींच खींच के मारा, कुत्ता कहाँ है करके अपना चुपचाप बैठ गया, ठीक है, और जोर से चिल्लाया, साले नींद खराब कर दी, समझ नहीं आता गधा कहीं का। आवाज सोचो कि यार ये क्या है, दुकानदार तो चकरा ही गया होगा, ठीक है। लेकिन आपको यहां करके अपनी सच्चाई पता चलती है कि आदमी कितना भी अच्छा कर ले, सामने वाली की उम्मीदें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, वो इतना कर रहा है जितने पे दुनिया पागल हो रही है, और उसके मालिक की नजर में वो ये सब गलत कर रहा है क्योंकि उसने उसकी नींद खराब कर दी, नहीं है। और आपकी कईयों की हालत ऐसी है, बताएं, आप में से कईयों की हालत ऐसी है, आप में से कई लोग अपने कैलिबर से बहुत बाहर आकर के खेल रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बियॉन्ड टू एन एक्सटेंड कर रहे हो, बट उसके बावजूद भी आप जब अपने घर में जाते होगे ना तो आपको वापस 3 डंडे पड़ते ही हैं, नहीं है, तो आपको पता नहीं है एक्चुअल में ये हालत सबकी है, दुनिया में सबकी हालत है, हर एक जने की हालत इस कुत्ते जैसी है कि वो अपने कैलिबर से 100 गुना ज्यादा अच्छा काम कर रहा है,
ठीक है, वो काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए था, और उसके बावजूद भी दुनिया की अपेक्षाओं का कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं है। हालांकि ये सबके लिए ट्रू नहीं है कि भाई सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं क्या है ना, मैं तो उसी मेंटालिटी का हूँ कि जो कर रहे हैं आप, आपकी एज में बहुत अच्छा कर रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 9, कितने अच्छे से आप ऐसे वेक्टर थ्योरी सुन लो ना, ठीक है, तो आपका तो मजा ही होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूँ। अब जिनका सुनो, जिनसे एल नहीं निकला वो अपनी कॉपी खोलें, और एल में कहीं ना कहीं मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज व्हेन इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखवाया है, बकायदा रिमार्क में मैंने एल लिखाया है, एम लिखाया है, एन पी लिखवाया है, तीनों लिखवाए मैंने, ये सब क्वेश्चन के तौर पे मैंने कराए हैं। क्या क्या ट्रिगो ट्रिगोस जीरो, अरे तो डिस्टिंक्ट एंट्री लिखवाई है मैंने, क्या बात कर रही है। जीरो तो सारे वन, मतलब जीरो को तो एक ही एंट्री मानेंगे ना हम, तो देखना अच्छे से। एक मैंने एंट्रीज का क्वेश्चन भी कराया है। अरे नहीं बाबा, मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज की अगर बात करिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज व्हेन ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आओ इस पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे अपन है, सपोज करो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये वाला ले लेते हैं, इसको जीरो 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 ले लेता हूं, बस यहां पे अपन कुछ ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ऐसा ले लो, राइट है भाई। अच्छा, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी एंट्रीज हो सकती हैं? अब आप में से किसी को अगर ध्यान हो तो इसके अंदर शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू होती थी, तो ये तो एक ही हो गई, इसकी तो एक ही एंट्री मान लो। अरे तो सब वन है ना, मतलब सब जीरो जीरो है, एक ही एंट्री है इसकी। अच्छा, अब देखिए साहब, इसकी एंट्री कितनी हुई, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, सोच लिया, ये कितनी एंट्री हुई, एन, तो प्लस में एन प्लस का वन, सॉल्व कर लो इससे, इसमें क्या दे रहे, एल आ गया। नहीं है समझ में? अरे देख, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी एंट्रीज हो सकती है, एन, इसमें एन, इसके नंबर ऑफ एंट्रीज इज इक्वल टू एन। अच्छा, ये ट्रायंगल में कितनी एंट्री हो सकती है, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, तो उसका एन बाई टू, और ऊपर वाले में जीरो जीरो एक ही एंट्री है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज दिस वन, तो दिस बिकम्स एल। हाँ भाई, तो एल हो गया। अब दूसरा क्या, मेरा क्वेश्चन ही चला गया, दूसरा क्या चाहिए आपको, एम, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ भाई, डायगोनल मैट्रिक्स होने पे कैसी फोटो आती है, डायगोनल मैट्रिक्स होने पर ए जीरो जीरो, जीरो बी जीरो, जीरो जीरो सी, यही तो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसकी एक एंट्री एन प्लस वन कह दू क्या, ये आप जानते हो, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री तो वन एंड द सेम है, इन्हें तो एक ही एंट्री मान लो भाई मैं, और ये कितनी एंट्रीज हो जाएंगी, एन, तो ये आपके लिए एन बराबर एन प्लस वन हो गया, वो आपका एल हो गया। अब पी तो पड़ा ही होगा ना घर में, या पी भी बनाओ, हो जाएगा आप तो, हाँ आप एक बार और पढ़िए, अभी तो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा मैट्रिक्स, हमारे को तो पहली बार में तो पकड़ में ही नहीं आया था, तो मैट्रिक्स पकड़ में ही नहीं आता, धीरे 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 क्वेश्चन करते चले गए, क्योंकि टेस्ट पेपर होते रहते थे, बकायदा टेस्ट होते जा रहे थे साथ साथ में, पकड़ में आता जा रहा था, कभी टीचर टेस्ट ले लेता था, कभी कुछ ना कुछ, तो ऐसे याद हो जाता, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, आप तो हिम्मत रखो बस, ठीक है, बाकी अपन अब बाद में करते हैं।